दोस्तों 24 अक्टूबर को दिवाली है और दिवाली के मौके पर अगर एंटरटेनमेंट ना हो तो फिर क्या ही मजा। और इसी वजह से दिवाली पर 25 अक्टूबर को एक नहीं पूरी 7 फिल्में रिलीज होने वाली हैं और सातों की सातों फिल्में अलग अलग जोनर पर हैं। कोई कॉमेडी फिल्में, ड्रामा, रोमांस, हॉरर, इसके अलावा अलग अलग टाइप की फिल्में हैं और सातों की सातों फिल्में कमाल की हैं। कुछ साउथ सिनेमा की फिल्में हैं, अगर आप पसंद करते हो तो आप उन्हें भी इंजॉय कर सकते हो। लेकिन सबसे बड़ा जो कंपटीशन होने वाला है वो अजय देवगन और अक्षय कुमार। अजय देवगन की थैंक गॉड नाम की फिल्म आ रही है और अक्षय कुमार की राम सेतु। काफ़ी तंगड़ा कॉम्पिटिशन है, कौन बाजी मारेगी देखना काफ़ी दिलचस्प होगा। और इस वीडियो में हम सातों फिल्मों के बारे में बताएंगे वो कौन सी हैं 7 फिल्में जो रिलीज होंगी दिवाली के टाइम पर। बेल, मेरा नाम है शुभित यादव और इस चैनल पर हम रिव्यू, रिएक्शन और बॉलीवुड अपडेट देते हैं। दोस्तों सबसे पहले शुरुआत करते हैं साउथ सिनेमा से। साउथ सिनेमा की एक फिल्म रिलीज होने वाली है जिसका नाम है प्रिंस। ये 31 अगस्त को रिलीज होनी थी लेकिन किसी वजह से इसको लेट कर दिया गया। फिलहाल ये 25 अक्टूबर को रिलीज होने वाली है और सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि ये एक रोमांटिक फिल्म है। अगर आप साउथ सिनेमा की रोमांटिक फिल्में पसंद करते हो तो आपके लिए ये फिल्म बेस्ट होगी। इसके बाद अगली फिल्म है सरदार। ये एक एक्शन फिल्म होने वाली है, ये भी साउथ सिनेमा से है। अगर आप एक्शन फिल्म देखना चाहते हो दिवाली के मौके पर तो ये भी फिल्म आपके लिए बेस्ट होगी। 25 अक्टूबर को ये फिल्म रिलीज होगी। इसमें आपको कार्ती नाम के एक्टर दिखाई देने वाले हैं। इसके बाद चलिए बात कर लेते हैं कुछ फिल्मों की जो कि तेलुगु सिनेमा से हैं। अगर आप पसंद करते हैं तो आपके लिए ये फिल्में बेस्ट होंगी। दोस्तों सबसे पहले मैं बता दूं, एक फिल्म आ रही जिसका नाम है उरी देवुका। ये एक रोमांस ड्रामा फिल्म है तेलुगु सिनेमा से। अगर आप पसंद करते हैं तो ये फिल्म 21 अक्टूबर को रिलीज होगी, जाकर आप देख सकते हैं। इसके अलावा एक फिल्म और रिलीज होने वाली है तेलुगु सिनेमा से जिसका नाम है गिन्ना। ये एक हॉरर फिल्म है। अगर आप हॉरर फिल्में पसंद करते हैं तो आपके लिए फिल्म भी बेस्ट होगी लेकिन ये सब टाइटल के साथ आपको देखनी पड़ेगी। दोस्तों अब बारी है बॉलीवुड की उन दो फिल्मों की जो कि दिवाली के मौके पर आपके लिए काफ़ी अच्छी साबित हो सकती हैं, आपको काफ़ी ज़्यादा एंटरटेनमेंट करा सकती हैं। पहली फिल्म है थैंक गॉड और ये फिल्म एक कॉमेडी ड्रामा फिल्म होने वाली है जिसमें आपको अजय देवगन और सिद्धार्थ मल्होत्रा के अलावा रकुल प्रीत सिंह दिखाई देंगे। चित्रगुप्त के रूप में आपको दिखाई देने वाले हैं अजय देवगन, जो कि कर्मों का हिसाब किताब रखेंगे सिद्धार्थ मल्होत्रा के। रकुल प्रीत सिंह इनकी वाइफ हैं, यानी कि सिद्धार्थ मल्होत्रा की वाइफ हैं। 25 अक्टूबर को ये फिल्म रिलीज होगी। और 25 अक्टूबर को एक फिल्म और रिलीज होने वाली है अक्षय कुमार की जिसका नाम है राम सेतु। काफ़ी इंटरेस्टिंग ये फिल्म है, अक्षय कुमार ने कुछ अलग करने का सोचा है। और बेसिकली अगर मैं खुद की बात करूँ तो मुझे ट्रेलर काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा और पर्सनली मैं भी इस फिल्म को देखूंगा। एक मिशन दिया जाता है अक्षय कुमार को राम सेतु के बारे में पता करने के लिए। इसमें आपको अक्षय कुमार के अलावा नुसरत भरूचा और जैकलीन भी देखने को मिलने वाली हैं। 25 अक्टूबर को ये फिल्म रिलीज होगी और राम सेतु और थैंक गॉड में काफ़ी तंगड़ा कॉम्पिटिशन होने वाला है। आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताना कि कौन सी फिल्म आप सिनेमा हॉल में देखने जाओगे। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना और जाते जाते वीडियो को लाइक जरूर कर देना। थैंक यू।